ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, एफएससी के लिए काम क्या है ये समझ लो। अगर अपन पूरे महीने में 100 ऑनबोर्डिंग या रिविजिट मिला के करते हैं, ठीक है, 100 ऑनबोर्डिंग और रिविजिट मिला कर, ठीक है, ऑनबोर्डिंग मतलब जिस दुकान पे भारत पे पेटीएम नहीं लगा हुआ वहां लगाना, और रिविजिट मतलब जहां पे पहले लगा हुआ था लेकिन वो एक्टिव नहीं है और ट्रांजेक्शन नहीं ले रहे तो वहां जाकर उसको सर्विस देना और वापस चालू करवाना, ठीक है। हमारा ये जो हमारा कार्य हुआ ना, हाँ, वो जो पहले से लगा हुआ है, हाँ, उसको मतलब एक्टिवेट नहीं, हाँ, उसको एक्टिवेट करेंगे। मैं हमारा सारे सवाल आप नोट करके रखो ना, मैं आपको बाद में एक साथ बताऊँ, माइंड में रखो, ये लिस्ट करके रखो, ठीक है। तो पूरे महीने में अगर 100 हो जाता है ना तो 225 के हिसाब से प्रति ऑनबोर्डिंग और रिविजिट पैसा मिलता है, और अगर 100 नहीं होता है, 100 से कम होता है, तो 175 रुपए प्रति ऑनबोर्डिंग और रिविजिट के हिसाब से पैसा मिलता है। अब ये जो 225 और 175 है ये हर महीने चेंज होता है, किसी महीने ये बढ़ जाता है, किसी महीने ये घट जाता है, ठीक है। इसमें जेन्युइन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसा पता चलेगा, पूरे महीने में ऑनबोर्डिंग और रिविजिट में, रिविजिट में 3 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, 25 रुपए के ऊपर, और रिविजिट के ऑनबोर्डिंग के अंदर जो है 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए पूरे महीने में 25 रुपए के ऊपर। अगर आप कोई भी ऑनबोर्डिंग या रिविजिट करते हो और वो ये एक्टिव क्राइटेरिया है, अगर एक्टिव नहीं होगी तो काउंट नहीं होगी। लिख के रखो सब बताऊ, 25 रुपए के ऊपर 3 ट्रांजेक्शन और 25 रुपए के ऊपर 5 ट्रांजेक्शन, ये रिविजिट का है और ये ऑनबोर्डिंग का, मतलब एक्टिव क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बंदा आके फ्रॉड ऑनबोर्डिंग करेगा या फ्रॉड रिविजिट करेगा, दोस्त की आरती कर देगा या किसी भी कर देगा तो उसको ये 225-175 मिल जाएगा। बकायदा कोई भी बिजनेस होना चाहिए, कोई दुकान होना चाहिए, सब्जी वाला, ठेले वाला, पानी पूरी वाला, ये सब आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हो, पान वाला कर सकते हो, ठीक है, समझ के चलो। अब 100 करने के लिए दिन में कितनी ऑनबोर्डिंग करनी पड़ेगी, 4 25 दिन काम करेंगे, 5 दिन छुट्टी लेंगे। 100 अगर नहीं होता है, मान लो किसी बंदे ने 3 ही किया, तो 25 दिन किया तो उसका कितना हो गया, 75 टास्क हो गए ऑनबोर्डिंग और रिविजिट, और उसको कितना रुपया मिला, 175 हो गया। ये तभी मिलेगा जब वो एक्टिव होगा, 3 ट्रांजेक्शन और 5 ट्रांजेक्शन होंगे तो। आपको कैसा पता चलेगा एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, आपके एप्लीकेशन के अंदर वो दिखा देगा। रिविजिट का डेटा आपको एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा, ऑनबोर्डिंग जहां नहीं लगाया आप खुद जा जाके कर सकते हो। ये दोनों करते समय बहुत सारे लोग होंगे जिनको लोन का रिक्वायरमेंट होगा, आप उनका लोन का एप्लीकेशन भर सकते हो। एप्लीकेशन भरना मतलब खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकानदार का फोटो, दुकान की फोटो, ये डाल के ई नैश करना होता है, ठीक है, उसको आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। अगर अपन एक एप्लीकेशन भरेंगे तो अपने को 250 रुपया मिलता है, 3 स्टार लोन का, 4 स्टार लोन का 500 रुपया मिलता है, और 5 स्टार लोन का भी 500 रुपया मिलता है। इसमें क्या होता है, यदि लोन डिस्पर्स हो जाता है फॉर्म भरने के बाद, तो इसमें आपको और 500 रुपया मिलेगा, इसमें आपको और 500 रुपया मिलेगा, और इसमें आपको और 1000 रुपया मिलेगा। ये कौन सा लोन है, ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, और ये 5 स्टार है। सर इनमें अंतर बता दीजिए सर, कुछ अंतर नहीं है। आपको एप्लीकेशन के अंदर दिखाएगा कि भैया ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, 5 स्टार है, और कुछ नहीं। 3 स्टार में एप्लीकेशन भरोगे तो 250, 4 स्टार में भरोगे तो 500, और 5 स्टार में भी 500। डिस्पर्स हो गया तो और 500 और 500 और 1000 रुपया, मतलब टोटल कितना हो गया डिस्पर्स हो गया, तो 3 स्टार रहेगा तो 750, 4 स्टार रहेगा तो 1000, और 5 स्टार रहेगा तो 1500। ये अलग से कमाई है। पूरे महीने में 100 ऑनबोर्डिंग और रिविजिट करोगे, अगर 10 लोगों का एक एवरेज पकड़ के चलता हो, आपने ये वाला लोन करवा दिया 10 लोगों का, तो आपको कितना अलग से रुपया मिला, 10 लोगों से करवाया तो 10,000। एवरेज पकड़ के चलता हूं, आपने 100 ऑनबोर्डिंग कर दी, क्योंकि 4 ऑनबोर्डिंग या रिविजिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 घंटे में 4 ऑनबोर्डिंग हो जाती है, तो आपको 100 × 225 कितना मिला, 22,500। टोटल कमाई अभी कितनी हो गई, 32,500। 32,500 के लिए कुछ नहीं करना है, लोन आप बेचते नहीं हो, लोन को चाहिए होता है। 100 किया आपने पूरे महीने में, 100 हो गया ना पूरे महीने में ऑनबोर्डिंग और रिविजिट मिला के, तो आपको 225 के हिसाब से मिलता है। 100 से कम होता है तो 175 के हिसाब से मिलता है। अगर मान लो आपने 99 किया तो 175 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और अगर आपने 100 के ऊपर कर दिया तो 225 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। मतलब 25 रुपया से ज्यादा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब सिंपल है। देखो अगर व्यापार है, धंधा है, तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगर धंधा नहीं है, अपने घर वालों की या दोस्तों की ऑनबोर्डिंग की हो, तो फिर नहीं होगा ट्रांजेक्शन। सर देखिए, मतलब जैसे कि
मतलब एक बेर में 25 रुपया, मतलब ऐसे करके नहीं, कम से कम 25 रुपए के ऊपर का वैल्यू होना चाहिए, और वैसे 3 ट्रांजेक्शन होना चाहिए रिविजिट में, और कम से कम 25 रुपए के ऊपर का वैल्यू होना चाहिए, और 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक एक रुपए के 5 ट्रांजेक्शन हो गए तो वो नहीं कैलकुलेट होगा एक एक रुपए के, क्योंकि वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, अब लोन का क्लियर हो गया, स्वाइप मशीन का समझ लो। जैसे एक सेकंड सर, जैसे कि हम कोई 5-10 रुपया वाला के लगाए, हाँ, तो एक ही लिया, हाँ, तो 25 रुपया ट्रांजेक्शन, हाँ, नहीं हुआ। वैसे केस में क्या होता है, एक क्राइटेरिया और होता है, 5 रुपए के ऊपर के 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जेन्युइन दुकान है, मान लो पान की दुकान है, 5 रुपए के ऊपर भी 5 ट्रांजेक्शन हो गया तो भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझा दूंगा, टेक्निकलिटी में अभी फिलहाल अपन नहीं जाते। ठीक है, 5 रुपए के ऊपर भी होगा ना तो भी काउंट हो जाएगा, ओके, लेकिन जेन्युइन दुकान होना चाहिए, ये ध्यान। जैसे पानी पूरी, हाँ, चलेगा, जैसे ठेला वगैरह, यस। अभी स्वाइप मशीन का समझ लो, पूरे महीने में अगर 4 मशीन बेचोगे तो 650 प्रति मशीन के हिसाब से मिलेगा, 5 बेच दिया तो हर मशीन का 900 के हिसाब से मिलेगा, और अगर किसी ने 10 बेच दिया तो हर मशीन का 1000 रुपए के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी ने 4 ही मशीन बेचा तो उसको 650 × 4 के हिसाब से पैसा मिलेगा, और किसी ने एक और मशीन बेच दिया 5 कर दिया तो उसको हर मशीन का 900 के हिसाब से मिलेगा, 900 × 5 कितना हो गया 4500 रुपए, और अगर किसी ने पूरी 10 मशीन बेच दी तो उसको हर मशीन का 1000 के हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी उसको कितना रुपए मिल गया मशीन का 10000। ठीक है, एक छोटा सा प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो अगर अपन किसी ऑनबोर्डिंग करते समय किसी को दे देते हैं तो अपने को 75 रुपए अलग से मिलता है। ये कौन समझाएगा सर? आपको आगे समझाऊंगा, उसका वीडियो है अपने पास। इतना क्लियर है रेट कार्ड सिंपल? देखो ये ध्यान देना है कि 4 ऑनबोर्डिंग जिसने कर लिया एक दिन में, जेन्युइन 4 दुकानों पे QR लगा दिया, तो उसका 100 होने से तो कोई नहीं रोक सकता, 25 दिन वो काम करेगा, 5 दिन संडे छुट्टी हटा दो, अगर तो उसका 22500 हो गया। हाँ, आप समझा रहे हम क्वेश्चन को? अच्छा, इसमें से ठीक है, क्वेश्चन करो, रुको 2 मिनट।